नमस्कार दोस्तों, जेएमडी कंसल्टेंसी चैनल में एक और नई वीडियो में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ के एक और नए सर्कुलर की, जो ईपीएफओ के ईपीएफ 95 हायर पेंशन से रिलेटेड है। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबको पता ही है कि जो ईपीएफ 95 पेंशन के लिए, जो हायर पेंशन के लिए जो जॉइंट ऑप्शन भरे जा रहे थे, उनकी जो अंतिम तारीख 3 मई 2023 थी, उसको बढ़ाकर 26 जून 2023 कर दिया गया है। तो जो भी एलिजिबल मेंबर्स हैं या पेंशनर्स हैं जो जॉइंट ऑप्शन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो वो जल्द से जल्द जॉइंट ऑप्शन फॉर्म फिल कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आसान भाषा में। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर है ये 9/5/2023 को आया है। इसकी सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन या जॉइंट ऑप्शन डिपॉजिट ट्रांसफर फॉर ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट इनटू पेंशन फंड रिगार्डिंग। तो ये सर्कुलर दोस्तों जिन लोगों ने, जिन पीएफ मेंबर्स ने, जो पेंशनर्स थे, उन्होंने जॉइंट ऑप्शन भरे थे, उनके वैलिडेशन के लिए उनको पीएफ में कितना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा और वो कितना कैसे करवाना पड़ेगा, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो सारी बातों की चर्चा यहाँ पर की गई है दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो तीन चीज़ें बताई गई हैं कि द फॉलोइंग प्रोविजन हैव कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2014, कि जो यहाँ पे उसके लिए एसओपी आई थी कि 3/5/2023 को। तो इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव एक्सरसाइज जॉइंट ऑप्शन फॉर द कंट्रीब्यूटिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ पैराग्राफ 11 ऑफ द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 एंड हु आर फाउंड एलिजिबल, द एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन शैल बी 940, यानी कि 9.49% ऑफ द बेसिक वेजेस, डीआरएनएस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस ऑफ ईच मेंबर्स इंक्रीजिंग 1.16% फ्रॉम द एक्सटेंट 8.33%। तो यहाँ पे दोस्तों की अगर जिनकी जो एलिजिबल पाए गए हैं उस हायर पेंशन के तहत, तो उनको जो हायर पेंशन थी उस पर 9.49% उनकी जो बेसिक वेजेस थे, डीआरएनएस अलाउंस थे और बाकी के जो अलाउंस थे, उसका 9.49% ईपीएस खाते में जमा करवाना पड़ेगा। तो जो मतलब एक्स्ट्रा ये हो गया 1.16% उनको जमा करवाना रहेगा, जो कि पहले 8.33% था। द इंक्रीज कंट्रीब्यूशन सेल बी एप्लीकेबल टू बेसिक वेजेस, डीएमएस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस टू एक्सटेंड सच बेसिक वेजेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस एक्सटेंड 15,000 पर मंथ। जो इंक्रीज जो कंट्रीब्यूशन है वो उस किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर थी। तो जिनकी 15,000 रुपये से ऊपर है उनके लिए ये वाला जो 9.49% है वो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा, यानी कि उनको 1.16% एक्स्ट्रा जमा करवाना रहेगा। अब देखो यहाँ पे टू गिव इफेक्ट टू द अबाउ नोटिफिकेशन, देयर विल बी नीड टू अंडरटेक द फॉलोइंग्स इन ऑल एलिजिबल केसेस टू जॉइंट ऑप्शंस, देयर विल बी अ रिक्वायरमेंट टू अकाउंट 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑन द पे अबाउ आरएस 15,000 पर मंथ ऑफ एम्प्लॉयर शेयर टू पेंशन फंड। कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स का जो शेयर आ रहा था उसमें जो पेंशन फंड होती है उसमें 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जिनकी 15,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी है उन पे लागू होगा। सिमिलरली इन द एलिजिबल केसेस ऑफ एप्लीकेशन से जॉइंट ऑप्शंस वेयर पास्ट रेमिटेंस ऑन हायर पे वर मेड इन प्रोविडेंट फंड बट नॉट इन पेंशन फंड, एडजस्ट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 8.33% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स शेयर। जो 8.33% को बढ़ा के 9.49% किया गया है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स का जो पीएफ फंड में जो पैसा होता है उसमें से एडजस्ट किया जाएगा। इन केस द एक्सपेंस ऑफ जॉइंट ऑप्शन ऑफ मेंबर हु आर स्टिल इन सर्विस एंड ओआईसी हैज पास्ड द रिक्वेस्टेड स्पीकिंग ऑर्डर दैट प्रेजेंट एम्प्लॉयर शैल कंटिन्यू टू द पेड पेंशन कंट्रीब्यूशन ऑफ हायर वेजेस इन फ्यूचर आल्सो इंक्लूडिंग द इंक्रीज 1.16%। ऐसे मेंबर्स जो अभी भी सेवा में हैं, जो रिटायर नहीं हुए हैं और उनकी सैलरी 15,000 रुपये से ऊपर है, 15,000 रुपये से ऊपर है, तो उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको खुद की तरफ से 1.16% उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे जमा करवाना रहेगा पेंशन फंड में। अब कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज, जो ड्यूज निकलेंगे उनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो दो तीन यहाँ पे रूल बनाए हैं ईपीएफओ ने। द ड्यूज विल बी कैलकुलेटेड बाय फील्ड ऑफिस आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ वेजेस डिटेल सबमिटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड टेकिंग केयर फॉलोइंग इन द प्रोसेस। कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया जाएगा फील्ड ऑफिस के द्वारा, जब जॉइंट ऑप्शन है वो मेंबर ने भरा है, पेंशनर ने भरा है, और उसके बाद में जो वेजेस डिटेल्स एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई थी उनको वेरीफाई करके करने के बाद में पीएफ ऑफिस यहाँ पे प्रोसेस करेगा। वो प्रोसेस कैसे होगा, ईच मेंबर्स पेंशनर्स के सैलरी प्रोसेस्ड इन द सेपरेट फाइल क्रिएटेड इन ई ऑफिस विद क्लियर मार्किंग ऑफ द एप्लीकेशन आईडी। यहाँ पे जो भी पीएफ मेंबर या पेंशनर्स, उनकी एक अलग फाइल बनाई जाएगी ई ऑफिस, मतलब ई फाइल रहेगी वो, और उसमें बिल्कुल क्लियरली मार्किंग रहेगा कि जो एप्लीकेशन आईडी है, जो एक्नॉलेजमेंट आपको प्राप्त हुआ था फॉर्म भरते टाइम पे, उस
के द्वारा वो पहचानी जाएगी। इन केस ऑफ द एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स द वेजेस डिटेल्स फॉर द एंटायर पीरियड एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन शुड बी अवेलेबल विद द एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट एंड कंसिस्टेंट विद द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पे जो एग्जेम्प्टेड जो एस्टैब्लिशमेंट है, एग्जेम्प्टेड जो संस्थाएं हैं, उनके लिए भी सेम है, वो का वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। वो भी अपने रिकॉर्ड्स में वो सब चीज़ें चेक करेंगे, उसके बाद में कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ड्यूज शुड बी कैलकुलेटेड मंथ वाइज इन द फॉलोइंग मैनर, कि जो भी ड्यूज निकलेंगे वो मंथ वाइज कैलकुलेटेड किए जाएंगे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला आ रहा है 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड्स, यानी कि जो 16/11/1995 या फिर जहाँ से उसकी जो हायर पेंशन जहाँ से लागू हो रही है वहाँ से, उन दोनों में से जो भी बाद में रहेगा उसमें उस डेट से वो रिकॉर्ड यहाँ पे जो पेमेंट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। 1.16% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे अबाउ 15,000 पर मंथ विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड्स टू आर इंक्रीज कंट्रीब्यूशन, कि यहाँ पे जो 15,000 रुपये से ऊपर की जो सैलरी है वो उसके ऊपर ही 1.16% का जो एम्प्लॉयर शेयर है वो कैलकुलेशन किया जाएगा। All amounts already deposited into pension fund shall be deducted from sum of 5/1 or 5/2। यहाँ पे जो इनका सम निकल के आएगा 5/1 or 5/2, तो वो यहाँ पे इनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। Fourth, the interest to be charged on dues at calculated about shall be interest earned by the member on their PF accumulation। यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो बनेगा, तो इंटरेस्ट अगर मेंबर ने जो लिया है पहले इंटरेस्ट, तो उसी इंटरेस्ट में उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे ए आता है फॉर अनएक्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्ट सेल बी कैलकुलेटेड पैरा 60, जो ईपीएफ स्कीम का जो पैरा 60 है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। और जो एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए भी जो पैरा 60 है ईपीएफ स्कीम का 1952 का, उसके अनुसार ही वो कैलकुलेशन किया जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द वैलिडेशन जॉइंट ऑप्शन, यहाँ पे उनका बंटवारा मतलब उनको अलग अलग तरीकों में बांटा गया है। जो भी जो जॉइंट ऑप्शन भरे गए हैं उनको तीन कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी आ रही है कि ड्यूज कैलकुलेटेड हैव ऑलरेडी बीन फुली रिमिटेड टू द ईपीएस इन द ड्यूज मंथ। यहाँ पहली कैटेगरी यह है कि जो भी कैलकुलेटेड ड्यूज आ रहा है वो ऑलरेडी मेंबर ने या एम्प्लॉय ने जमा करवा दिया है। दूसरी कैटेगरी यह आ रही है कि ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रिमिटेड टू द ईपीएस बट कंट्रीब्यूशन और हायर वेजेस हैव बीन फुली रिमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज एडिक्वेट बैलेंस इन पीएफ अकाउंट। यहाँ पे दूसरी कैटेगरी यह आ रही है कि उन्होंने जो पीएफ अकाउंट में जो पेमेंट जमा करवाया वो फुली सैलरी के ऊपर ही जमा करवाया था और उनके पास में वो बैलेंस भी वहाँ पे पड़ा है। तीसरी कैटेगरी आती है कि ड्यूज कैलकुलेटेड हैव नॉट बीन रिमिटेड टू ईपीएस बट कंट्रीब्यूशन ऑन हायर वेजेस हैव बीन फुली रिमिटेड टू ईपीएफ एंड देयर इज इन एडिक्वेट बैलेंस इन पीएफ अकाउंट और द पीएफ अकाउंट इज विथ ट्रस्ट ऑफ पीएफ एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी आ रही है दोस्तों कि उन्होंने जो कैलकुलेशन के अनुसार कैलकुलेशन भी नहीं हुई और उन्होंने जो ईपीएस में जो कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए था वो दिया भी नहीं है, वो ओनली सिर्फ और सिर्फ जो उनकी लिमिट थी उस टाइम पे 5,000, 6,500 रुपये और 15,000 उसके हिसाब से ही उन्होंने वो जमा करवाते रहे, तो वहाँ पे वो पूरा का पूरा ही ड्यूज है। उसके बाद में इंफॉर्मेशन और ड्यूज एंड इट्स डिपॉजिट, तो यहाँ पे जो अगला चरण है कि इसकी जो सूचना है वो कैसे दी जाएगी कि जमा करवाना है या नहीं करवाना है, तो इसके लिए भी पीएफओ ने यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए हैं। द फील्ड ऑफिस एफओ विल इंटीमेट द पेंशनर्स या मेंबर्स इन ईच ऑफ द अबाउ कैटेगरी अबाउट द ड्यूज एंड इफ एनी अमाउंट दैट नीड टू बी डिपॉजिट या डाइवर्टेड एज पर फॉलोइंग टेबल। जो ये टेबल दी गई है उसके अनुसार यहाँ पे पीएफओ सूचित करेगा कि वो पेमेंट कैसे आपको डिपॉजिट करवाना है या डाइवर्ट करवाना है। तो पहली कैटेगरी 61 वाली, 61 वाली अपन ने यहाँ पे दोस्तों पढ़ी कि इन्होंने पहले ही जो ड्यूज था ऑलरेडी जमा कर रखा है, तो यहाँ पे 6.1 में इन्फॉर्म द पेंशनर्स मेंबर थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज अमाउंट हैज बीन रिसीव, कि जो एफओ है वो सूचित करेगा मेंबर्स को कि जो आपका ड्यूज अमाउंट है वो रिसीव हो चुका था। सेकंड कैटेगरी आती है दोस्तों, इन्फॉर्म द पेंशनर्स मेंबर थ्रू द लास्ट एम्प्लॉयर दैट ड्यूज नीड टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड एंड रिटन कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी ऑब्टेंड एंड प्रोवाइडेड टू एफओ। यहाँ पे कि जो पीएफ फंड में जो पेमेंट पड़ा है, यानी कि उन्होंने हायर सैलरी के ऊपर ही पीएफ काटा है लेकिन पेंशन फंड में लिमिट होने की वजह से वो पेंशन फंड में नहीं जा सका था और पेमेंट पड़ा है, तो उनको रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को कि हाँ आप मेरे पीएफ अकाउंट का पेमेंट ईपीएस में जमा कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी दोस्तों, इन्फॉर्म द मेंबर्स थ्रू लास्ट एम्प्लॉयर दैट ही वॉज इन एडिक्वेट बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड, जो ए वाला बैलेंस नीड्स टू बी डाइवर्टेड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अवेलेबल विद ईपीएफ ऑफ द पेंशन फंड एंड रिटर्न कंसेंट टू एम्प्लॉय। एक तो यह कि अगर उनके पास बैलेंस पड़ा है तो वो बैलेंस उसमें काम आ सकता है, दूसरा अगर उन्होंने बैलेंस निकाल लिया है
तो उनको जो डिपॉजिट करवाना रहेगा जितना बैलेंस उनका बाकी है, तो उस हिसाब से वहां पर उनको सूचित करना रहेगा। आठवां पॉइंट आता है दोस्तों, पेंशनर्स मेंबर्स में बी गिव अप टू 3 months टाइम टू डिपॉजिट एंड गिव कंसेंट फॉर डाइवर्जन ऑफ दिस ड्यूज टू कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। यहाँ पे जो पेंशनर्स या मेंबर्स हैं उनके ड्यूज निकलते हैं तो उनको 3 महीने का समय यहाँ पे दिया जाएगा, और इस टेबल के अनुसार दिया जाएगा कि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट भी हो सकता है, टोटल अमाउंट यहाँ पे पीएफओ बताएगा, कि जो डाइवर्टेड अमाउंट है वो भी बताएगा, जो डिपॉजिट है वो इंटरेस्ट के साथ में वो भी यहाँ पे पीएफओ ने पीएफओ बताएगा। मेथड ऑफ पेमेंट बाय द पेंशनर्स या मेंबर्स की, यानी कि जो उनको जो ड्यूज निकलेंगे उनको पेमेंट करना कैसे है, उस हिसाब से उनको यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए। 9 पॉइंट इन कैटेगरी 6(1) और 6(2), यानी कि जिनका पीएफ में बैलेंस पड़ा है या जिन्होंने जो ड्यूज निकल रहे थे वो पहले ही जमा करवा दिए हैं, देर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एडिशनल डिपॉजिट बाई द पेंशन या मेंबर, यानी कि उनको कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट जमा नहीं करना है। द कंट्रीब्यूशन ड्यूज विथ इंटरेस्ट रिसीवल में बी फर्स्ट डाइवर्टेड फ्रॉम द पीएफ बैलेंस इन रिसेप्ट अकाउंट, जो इंटरेस्ट वगैरह निकल रहे हैं तो वो भी वहाँ से ले लिए जाएंगे। अब कैटेगरी थर्ड आती है, डिपॉजिट विल बी मेड बाय द कंसर्ट पेंशन मेंबर ओनली द बैंक अकाउंट अवेलेबल इन ईपीएफओ रिकॉर्ड्स, कि जो ईपीएफओ रिकॉर्ड्स में उनका जो बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट से वो पेमेंट यहाँ पे जमा करवाना रहेगा। तो उसके दो तरीके हैं दोस्तों, या तो एक ऑनलाइन फैसिलिटी, अगर पीएफओ ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है तो वहाँ पे अपन ऑनलाइन जाके करवा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों चेक, चेक के माध्यम से भी अपन यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, और जो कि फेवर में रहेगा कि कम्युनिकेटेड इन द डिमांड लेटर इश्यूड बाई एफओ, जो डिमांड लेटर भेजेगा ये एफओ उसके भी यहाँ पे अपने को चेक बना के देना है। और चेक के बैक साइड में दो तीन चीज़ें यहाँ पे एफओ ने बताई है कि एप्लीकेशन आईडी जो एक्नोलिजमेंट नंबर मिला था अपने को वो वहाँ डालना जरूरी है, यूएन और या फिर पीपीओ नंबर, आपका मोबाइल नंबर और नाम, और डिमांड नोटिस नंबर और डेट, जो डिमांड नोटिस यहाँ पे एफओ ने भेजा था उसका नंबर और उसकी डेट कब आएगा, तो वो चीज़ें उस चेक के पीछे यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद में अकाउंटेंट एडजस्टमेंट ऑफ द ड्यूज, उसके बाद में दोस्तों 10 पॉइंट बता रहे कि अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू पेंशन फंड थ्रू अपेंडिक्स ई, यहाँ पे जो पीएफ फंड में से उठ के जो पेंशन फंड में जो पैसा जाएगा उसकी अकाउंटिंग कैसे क्या की जाएगी। यहाँ पे अपेंडिक्स ई फंक्शनलिटी विल बी यूज फॉर अकाउंटिंग द एडजस्टमेंट डाइवर्जन फ्रॉम मेंबर्स पीएफ अकाउंट टू पेंशन अकाउंट, यहाँ पे जो अपेंडिक्स ई है जो फंक्शनलिटी है जो एफओ में चलती है पीएफ में चलती है उसके द्वारा ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट या डाइवर्जन यहाँ पे किया जाएगा। इन द सॉफ्टवेयर प्रोविजन फॉर द सेपरेट कोड हैज बीन इंट्रोड्यूस फॉर एडजस्टिंग अमाउंट फ्रॉम ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयर शेयर अकाउंट नंबर 1 टू एम्प्लॉयज पेंशन फंड अकाउंट नंबर 10, यानी कि जो एक सॉफ्टवेयर में कुछ सेपरेट कोड दिया जाएगा उसके द्वारा जो अकाउंट 1 में जो पेमेंट पड़ा है वो अकाउंट 10 में यहाँ पे डिपॉजिट कर लिया जाएगा। दिस इज टू द मैंडेटरीली सिलेक्टेड बाई द फील्ड ऑफिस वाइल यूजिंग अपेंडिक्स ई फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर शेयर 1 to 10 में। दिस इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग द रिपोर्ट्स मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग, यहाँ पे जरूरी है कि जो रिपोर्ट्स और उसको मॉनिटर और अकाउंटिंग करना जरूरी यहाँ पे हो जाता है। ए चेक फ्रॉम अकाउंट 1 to कंसर्न रीजनल ऑफिस सेल बी ड्रॉन एज मिसलेनियस पेमेंट पेंशन और हायर वेजेस एंड द डिपॉजिट इन द सेंट्रलाइज रिसिप्ट अकाउंट 10 थ्रू मेंबर वीडीआर, जो मेंबर की जो वीडीआर रहेगी उसके द्वारा ये पेमेंट इधर से उधर हो जाएगा। और ये मे बी ये पीक कलेक्शन डेज में होगा, उस टाइम पे 12, 13, 14 और 15 तारीख को यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट में द पेंशनर्स मेंबर्स, देखो द चेक डिपॉजिट बाय द पेंशनर्स या मेंबर्स एज पर पैरा 9 ऑफ द सर्कुलर, तो पैरा 9 अपन ने यहाँ पे पढ़ा पीछे, द सर्कुलर सेल बी डिपॉजिट इन सेंट्रलाइज रिसिप्ट अकाउंट थ्रो मेंबर वीडीआर, कि जो चेक अपन यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो उसको उसको मेंबर की वीडीआर में यहाँ पे डाल दिया जाएगा। द सॉफ्टवेयर सेल हैव ए प्रोविजन फॉर द सिलेक्टिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ मेंबर वीडीआर, कि यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू यहाँ पे दे दी जाएगी जो उनकी वीडीआर रहेगी कि पेंशन और हायर वेजेज, उसके द्वारा भी वो वीडीआर में करेक्शन हो जाएगा। इट वुड बी मैंडेटरी मेंशन एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पे जो एप्लीकेशन आईडी है वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगी। सिस्टम विल बी प्रोवाइड टू एंटर रेगुलर कंट्रीब्यूशन एंड 1.16 एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेंबर वीडीआर मॉड्यूल, जो वीडीआर मॉड्यूल है उसमें 8.33% का रेगुलर कंट्रीब्यूशन और 1 एडिशनल कंट्रीब्यूशन के लिए सेपरेट एक टैब आ जाएगा उस वीडीआर मॉड्यूल के अंदर। 12वां ऑप्शन आता है दोस्तों, एटमोस्ट केयर शुड बी टेकन इंश्योर दैट ईच वीडीआर एंट्री बोथ फॉर पैरा 10 एंड 11 इज यूज्ड ओनली फॉर द कंसर्न्ड पेंशनर या मेंबर, मतलब यहाँ पे कि उसी मेंबर्स के लिए या पेंशनर के लिए
ये पैरा 10 और 11 यूज किया जाएगा जो अपन ने पीछे पढ़ा। वीडियर डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोडेड इन ई ऑफिस वाइल प्रोसेसिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस। तो वीडियर में जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो ई ऑफिस में यहाँ पे अपने को अपलोड भी करने रहेंगे, यानी कि पीएफ ऑफिस का काम रहेगा वो। द वीडियर डॉक्यूमेंट हैज द मेंबर्स डिटेल्स, एप्लीकेशन आईडी रहेगी, उसमें यूएन नंबर रहेगा, पीपीओ रहेगा, मेंबर आईडी ईटीसी। द सेम कैन बी वेरीफाइड वाइल प्रोसेसिंग पेंशन ऑन हायर वेजेस इन ई ऑफिस बाय टू चेक द यूज ऑफ वीडियर फॉर कंसर्न पेंशनर या मेंबर। तो वो बाद में कभी भी वो यहाँ पे चेक कर सकता है। करेक्ट एंट्रीज इन द वीडियर शुड बी इंश्योर्ड एज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिजर्व रिवर्स ए रॉन्ग वीडियर और मेक करेक्शन लेटर। यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी रहेगी। अगर गलत एंट्रीज यहाँ पे डल जाती है तो वीडियर में रिवर्स एंट्रीज में थोड़ा सा ज्यादा दिक्कतें आती है। आफ्टर क्रेडिट ऑफ सेट डिपॉजिट इन सेंट्रलाइज रिसिप्ट अकाउंट थ्रू वीडियर एंड आफ्टर कंसल्टिंग ऑल द फैक्ट्स एंड कंपिटेंट ऑथोरिटी विल पास द स्पीकिंग ऑर्डर। यहाँ पे जब जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो जो भी कंसर्न जो ऑफिसर रहेगा वो यहाँ पे स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पे मौखिक ऑर्डर भी यहाँ पे दे सकता है। जो एपीएफसी असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर और रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड विल बी एग्जामिन इच केस ऑफ जॉइंट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर और आरपीएफसी सेकंड, ये दोनों में से कोई भी जो इच जो भी प्रत्येक केस रहेंगे हायर पेंशन के वो यहाँ पे चेक करेंगे और उसके बाद में डिसीजन उस पर लेंगे। ड्यूज केयर चेक्स एंड क्वेश्चन मस्ट बी टेकन बिफोर एक्सेप्टिंग या रिजेक्टिंग एनी केस ऑफ पासिंग स्पीकिंग ऑर्डर टेकिंग डिसीजन। यहाँ पे जो ड्यूज है उन सब चीज़ों को और जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको सबको चेक करने के बाद में यहाँ पे जो डिसीजन है वो दिया जाएगा। वाइल एवलेटिंग वेरियस प्रूफ्स ऑफ डिटरमाइंड एलिजिबिलिटी ऑफ पेंशनर्स मेंबर्स फॉर हायर पेंशन रिक्वेस्ट फॉर एरर करेक्शंस फ्रॉम पेंशनर्स या मेंबर। यहाँ पे अगर उस चेक करने के दौरान कुछ चीज़ें गलत भी पाई जाती हैं या कुछ चीज़ें अधूरी रहती हैं तो वहाँ पे पीएफ पेंशनर्स मेंबर्स को यहाँ पे उसका टाइम दिया जाएगा उनको सही करने के लिए। द स्पीकिंग ऑर्डर डिसीजन सेल बी अपलोडेड इन, जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो ई फाइल के अंदर ई ऑफिस के अंदर यहाँ पे सेपरेट उस मेंबर के लिए रखे जाएंगे और जो भी ऑर्डर्स रहेंगे वो लेटर के द्वारा या ईमेल के द्वारा उस जो मेंबर है उसका जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसको भेजा जाएगा। द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन विल फॉलो थ्रू सबसिक्वेंट सर्कुलर। यहाँ पे जो कंप्यूटेशन रहेगा उसके लिए जो मतलब गणना रहेगी पेंशन की उसके लिए एक अलग से सर्कुलर आएगा, उसका अपने को इंतजार यहाँ पे करना चाहिए। तो ये था दोस्तों यहाँ पे ये सब सीपीएफसी ने यहाँ पे दिया है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे ये सर्कुलर आया है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस सर्कुलर की कॉपी आपको चाहिए तो हम हमारे फेसबुक पेज पर इसको अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।